दोस्तों, अगर आप भी रविंद्र जडेजा को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के मैच के दौरान जडेजा कैच पकड़ने के बाद डांस करते हुए नजर आए, जिसको देखने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए बताते हैं आपको पूरा वाक्य, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रविंद्र जडेजा और सैम करन में कौन बेहतरीन ऑलराउंडर है? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन का 12वां मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में खेला गया। इस मैच में राजस्थान की टीम के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई की टीम को पहला झटका ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में लगा, जो कि 13 गेंदों में 10 रन बनाकर मुस्तफिजुर रहमान की गेंद पर शिवम दुबे को अपना कैच दे बैठे। दूसरी सफलता राजस्थान को फाफ डुप्लेसिस के रूप में मिली, जो कि 17 गेंदों में 33 रन बनाकर क्रिस मॉरिस की गेंद पर रियान पराग के हाथों कैच आउट हुए। तीसरा विकेट सीएसके का मोइन अली के रूप में गिरा, जो कि 20 गेंदों में 26 रन बनाकर राहुल तेवतिया का शिकार बने। इसके बाद सभी बल्लेबाजों ने थोड़ा थोड़ा टीम के लिए अपना योगदान दिया और अंत में ब्रावो ने 8 गेंदों में 20 रन बनाते हुए टीम के स्कोर को 20 ओवर में 188 रन पहुंचा दिया। 189 रन का पीछा करने उतरी राजस्थान की शुरुआत अच्छी नहीं रही और सलामी बल्लेबाज मरन बोहरा 14 रन के स्कोर पर ही पवेलियन लौट गए। मरन बोहरा का कैच रविंद्र जडेजा ने पकड़ा था। उसके बाद संजू सैमसन भी 1 रन बनाकर सैम करन की गेंद पर क्रिस मॉरिस के हाथों अपना कैच दे बैठे, लेकिन इसके बाद ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए जॉश बटलर ने टीम की स्थिति को बेहतर किया और 49 रन बनाकर जडेजा की गेंद पर आउट हो गए। इसके बाद शुभम दुबे भी 17 रन बनाकर जडेजा की गेंद का शिकार हुए। इसके बाद जब मोइन अली गेंदबाजी करने आए तो उन्होंने अपने एक ही ओवर में रियान पराग और क्रिस मॉरिस को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट करा दिया। इसके बाद जब शरदुल ठाकुर गेंदबाजी करने आए तो जयदेव उनादकट को उन्होंने रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट करा दिया। इसी बीच जयदेव उनादकट का कैच पकड़ने के बाद रविंद्र जडेजा मैदान में डांस करते हुए नजर आए और हाथों से वो इशारा देते हुए नजर आए, जिसके बाद मैदान पर खड़े सभी खिलाड़ी पेट पकड़कर हंसने लगे, क्योंकि जडेजा ने इस मैच में 4 कैच लिए थे, जिसके बाद वो इस तरह से सेलिब्रेशन करते हुए नजर आए। लेकिन उनके इस अंदाज को देखकर तो मैदान पर खड़ा हर एक खिलाड़ी दंग रह गया और उनके इस अंदाज को देखकर सभी लोग वहां पर हंस रहे थे। महेंद्र सिंह धोनी भी एंजॉय कर रहे थे। आपको बता दें कि इससे पहले साल 2013 में रविंद्र जडेजा इस तरह की हरकत कर चुके हैं। उन्होंने इस मैच में भी कैच पकड़े थे, लेकिन इसके बाद रविंद्र जडेजा इसी तरह से डांस करते हुए नजर आए थे। लेकिन दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स की जीत के साथ रविंद्र जडेजा का ये डांस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रविंद्र जडेजा के फैंस इस डांस को खूब पसंद कर रहे हैं। वैसे तो रविंद्र जडेजा का अक्सर मैदान के बीच में बैट घुमाने वाला मोमेंट काफी ज्यादा वायरल होता है, लेकिन आज उनका ये डांस भी वायरल हो गया और लोग इसके कायल हो गए और लोग इस डांस को जमकर एंजॉय कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को रविंद्र जडेजा का डांस कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।